इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इंदौर में नाला टेम्पिंग का कार्य 60 से 70% तक पूरा हो गया है, परंतु कोविड-19 के कारण 3 माह से नाले का काम नहीं हो सका। नाले का निर्माणाधीन अधिकतर हिस्सा कंटेनमेंट एरिया में होने के कारण और बारिश के कारण नाला टेम्पिंग का कार्य प्रारंभ करना संभव नहीं है। अब अक्टूबर नवंबर तक नाला टेम्पिंग का काम शुरू होना संभव है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। काफी दिन हो चुके हैं और काफी सालों से ये काम चलते चले आ रहा है। अब इस ये जिम्मेदारी आपके ऊपर भी आ गई है कि इसको किस तरह से आप देखते हैं कि यह पूरी समस्या जो है हल हो जाए। सीवरेज की हम लोगों ने कई काम हटा चुके हैं, वहां से गंदा पानी नहीं जा रहा है, लेकिन अभी भी समस्या जस्ट की तस बनी हुई है। किस प्रकार आप इसको देखते हैं? ये शहर के बीच में नदी होना, बहुत कम ऐसे शहर होंगे या फिर न के बराबर होंगे इंडिया में जिन्होंने अपने शहर के बीच की नदी को पुनर्जीवित किया है, वो काम इंदौर ने किया है। और ये काम जब शुरू हुआ था तब सभी लोगों को लग रहा था, मैं तब इंदौर में नहीं थी, उज्जैन में थी, तब सभी मीटिंग्स में इस बात की चर्चा होती थी, एक्चुअली ये बहुत बड़ा काम था। उसके बाद भी इंदौर नगर निगम ने बेहद ही बड़े ही काम को धीरे किया, लेकिन बहुत ही अच्छा काम किया है इसमें। अभी जो हमारे वाटर टैपिंग, जो नाला टैपिंग का काम हो रहा है, इसमें लगभग हमारा 60-70% काम हो गया है, जो कि बरसात में नाला टैपिंग संभव नहीं होता। और कोविड के कारण ज़्यादातर हमारे जो नाला टैपिंग वाला एरिया छूटा हुआ है वो सारा का सारा हमारा कंटेनमेंट जोन थे। तो मार्च से अब तक का पूरा काम बंद रहा, काम करना संभव नहीं था, और अभी भी कई जगह काम करना संभव नहीं है ड्यू टू कंटेनमेंट जोन। तो जब तक नाला टैपिंग नहीं होती तब तक नाले जाके नदी में मिलते हैं, उसका काम नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमें अक्टूबर नवम्बर तक वेट करना होगा। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरा फेज है एसटीपी के शुरू होने का, वो भी अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। अगेन एसटीपी में भी कुछ एक्सपर्टीज जिस कंपनी के पास है, उन्होंने भी कोविड के कारण काम नहीं कर पाया। और पेंडेमिक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये तो बहुत मतलब छोटा ही विषय है, कई सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हुई। तो निगम ने अपने सारे काम रिज्यूम कर लिए हैं और जो नदी पुनर्जीवन का काम है, रिवर फ्रंट का काम है, वो उतनी ही तेजी से हम लोग करके और इस दिसंबर अंत तक खत्म कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।